presents Comedy Circus के अजूबे। भाई भाई ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ए अर्चना हमें तेरा एतबार ना रहा। आज का हमारा ये एपिसोड अर्चना और अरबाज के नाम है। अर्चना ने अपने पार्टनर बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए भाई को भाई से एक्सचेंज कर दिया और इसीलिए आज का हमारा एपिसोड है पार्टनर एक्सचेंज। मुंबई में सबसे मुश्किल है नौकरी पाना और उससे भी ज्यादा मुश्किल है छोकरी पाना, लेकिन सुदेश ने लगाई है ऐसी तिकड़म कि उसे दोनों मिल गए हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम सुदेश एज नौकर, राजीव एज फैशन डिजाइनर एंड किकू एज वेरियस कैरेक्टर्स। आप सोच रहे हो डांस भी कर रहे, रो भी रहे। खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे दोस्त कृष्णा को अवार्ड मिला है, उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। दुख मुझे इस बात का है कि मेरी टीम छोड़ के अलग हो गया, मेरा बेड़ा गर्क होने वाला है। खैर कोई बात नहीं, मैंने ये काम ही छोड़ दिया। कॉमेडी छोड़ो और काम कर लेंगे, क्या हो गया? ये दुकान देख के आप समझ गए मेरा काम क्या होगा। यस, प्रॉपर्टी डीलर। आप क्या सोचते हो दुकान के हिसाब से काम होता है? ऐसी कोई बात नहीं होती। हमारे जज साहब सामने बैठे, लेकिन कोई जज वाली बात है? कोई बात नहीं, ना घमंड कर रहे हैं ना बेफजूल का खा रहे हैं, ये क्या जज वाली बात हुई? कोई बात नहीं, इस लाइन में मैंने काफी पैसा कमाया है। पहले मेरे पास दो तीन घर थे छोटे छोटे, आज वो भी नहीं। आप मुझे बताएंगे आपका मुंह किधर है? मैंने कहा था नहीं, मुझे पता तो है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है, इधर मुंह ना हो आपका। शट अप, ये बताओ तुम कौन हो? पहले आप बताओ। नहीं पहले तुम। नहीं पहले आप। पहले तुम। इसको ये भी नहीं बंदा कह सकता कि लेडीज फर्स्ट, पहले आप बताओ। देखो मैं बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर हूँ। तो ये क्या इंग्लिश में स्टैंडर्ड बना रहे हो? फैशन डिजाइनर दर्जी हो ना? तुम क्या करते हो? मैं प्रॉपर्टी डीलर। सीधे ही तरह का दलाल हो। इतने बड़े फैशन डिजाइनर हो गए, आप कैसी बात कर रहे हैं? नाम क्या है आपका? माइसेल्फ पिंकी। पिंकी, तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ। पिछले 8 साल से मल्लिका शेरावत मुझसे ही कपड़े बनवा रही है। अच्छा, तो उसको बना ही दो ना, मेरा भी बड़ी तमन्ना है उसको एक बार कपड़ों में देख लो, मैं खुश हो जाऊंगा। बहुत बकवास करते हो, मुझे दुकान खोलनी है। आज खोल दे, आज 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 खुल गई। 5 सेकंड हो गए, कोई गाहक नहीं है। तो मैं कहता हूँ दुकान बंद करो, इसको बेच के पैसे इकट्ठे करो, स्नान करने चलते हैं बैंकॉक। ओ, ओ, ओ पिंकी, तेरा दुकान पे नया लौंडा आया है? तेरा आइडिया नहीं भाई, अपना आँख खोल के देख, ये पूरा का पूरा एरिया तेरे को दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा इलाका अपन का। आपका तो मुझे क्या बता, आप भी प्रॉपर्टी डीलर हो? चल तू हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल, हफ्ता क्या हफ्ते निकाल, हफ्ता 6 साल निकाले हमने यहाँ पे, तू हफ्ता निकाल अगले सीजन में, तू भी नहीं है। ए, तो इससे बात कर ले, तू समझा ना, मैं टांग तोड़ डालूंगा तेरी। ये सच कह रहा है, ये ना सुपारी लेके हड्डियां तोड़ता है। कितने पैसे लेते हो टांग तोड़ने के? 250। और मुंह तोड़ने के? 750। क्या कर रहा है? बिल्कुल पैसे दे रहा हूँ, 750 काट लो। 250 वापस हो, छुट्टा नहीं अपने पास, ये ले 250। अबे तेरी तो देख लूंगा, तेरे को देख लूंगा। देख लेना पक्का, तेरी तो देख लेना। 8:30 बजे सैटरडे संडे कॉमेडी सर्कस, सब देख लेना। ये तुमने बहुत गलत किया, तुम इसे जानते नहीं, पता इसने कितने कत्ल किए, तू तो मरा ही मरा। और डरता कौन है? क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं डरा नहीं, डरा नहीं हो, वैसे घबराहट पे होगी थोड़ी। आप चाय पी लो थोड़ी। नहीं मुझे नहीं पीनी। खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। बाथरूम चले जाओ। नहीं आया। थोड़ा सा एक घूट। सॉरी नहीं चाहिए। तो ठीक है फिर, आपकी लाइन कोई नहीं, खड़े रहो फिर। मैं बात कर। हाय पूजा, पूजा अंबानी। बस अब मेरी बारी। एक्सक्यूज मी, Who are you? Who are you? के Who are you? के मेरी मम्मी और मेरे डैडी की अचानक शादी हो गई। एक मिनट, मैं जरा चक्कर खा सकती हूँ? बिल्कुल। हेलो हेलो, क्या हो गया? हेलो हेलो, आप दूर रहिए मुझसे। टेल दिस अगली मैन टू स्टे अवे, ओके?
इंग्लिश में गालियां देती क्या समझती है, मुझे समझ आ रही है। नहीं, ये नहीं, क्या क्या अगली क्या होता है? नहीं नहीं अगली कुछ नहीं, अगली का मतलब बहुत खूबसूरत होता है। ये बोला? हाँ, हाँ। तो फिर मैं कहा अगली, अगली तो वो है। देखो अभी भी SMS कर रही है अपने बॉयफ्रेंड को, ये प्यार होता है। आप फ्री हो संडे को? शादी करनी थी थोड़ी सी। Excuse me, शादी? अगर मुझे शादी करनी भी है तो किसी बिजनेसमैन से करूंगी, तुझसे क्यों करूंगी? हेलो, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। आप प्रॉपर्टी डीलर हैं? या अरे हाँ, तो मेरी एक दोस्त है, उसे एक जगह चाहिए। तो कोई बात, जगह मेरे पास है, बुला लो उसको बस। अरे वैसे टाइप की जगह नहीं, उसे रहने के लिए जगह चाहिए। मेरी दोस्त है पूर्वी जोशी। पूर्वी जोशी? हाँ। आपकी दोस्त है? हाँ। आप पूर्वी को जानते हैं? अरे 3 सुपरहिट फिल्में वो करना चाहती है, बस एक बार मिल जाए उसे। मैं सच बोल रहा हूँ आपको। तुम चाय पी लो? नहीं चाहिए। बाथरूम हो? नहीं जाना। कुछ तो खा लो, थोड़ा घूम आओ। नहीं, फिर लाइन कोई नहीं आपकी, बाहर में जाओ। हेलो, आपको फ्लैट वगैरह चाहिए? फ्लैट फ्लैट नहीं चाहिए मुझे, मुझे मद में बंगला चाहिए। वो नहीं मिलना। अब परमीत आपसे थोड़ी शादी करेगा, बंगला पागल है तो शादी कर लो। नहीं करता। तो भाड़ में जाए इसी लड़की को, मैंने कहना जो हो तेरी कुछ। आज अगर मेरा प्यार होता, सुधा सुधा तुम कहाँ हो? मेरे कॉलेज की फ्रेंड। एक मिनट, क्या नाम लिया आपने? सुधा। और आपने अपना क्या नाम बताया? संदीप। और प्यार से मुझे वहां पे लोग संदी कहते थे। संदी? सुधा। संदी? सुधा। संदी? सुधा। संदी? सुधा। संदी? सुधा। संदी? आज आज संदी सुधा एक हो जाएंगे, और उसके बाद कभी भी उनके घुटनों में दर्द नहीं होगा। मैं कब से अपने नैनों में तुम्हारा सपना लेकर घूम रही थी। क्या बात कर रही हो? हाँ, हाय हाय। अरबाज, कैसी लग रही है आपको? आप लोगों का एक्ट जो है ना, बड़ा एंटरटेनिंग एक्ट था। राजीव, यू प्ले दिस कैरेक्टर वेरी वेरी नाइसली। सुदेश जी, यू आर वेरी गुड। योर पंचेस, सम ऑफ देम दोज लाइंस आर वेरी फनी। बहुत मजा आया। एंड कीकू, आपके एंट्री से ये एक्ट में थोड़ा सा और जान आ गई। दिस इज व्हाट आई फेल्ट। एंड बोथ द कैरेक्टर्स दैट यू प्लेड, एक वो भाई का कैरेक्टर और ये जो बहन का कैरेक्टर, ये दोनों कैरेक्टर बड़े अच्छे थे। द होल एक्ट टूवर्ड्स द एंड गॉट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट जस्ट एंडेड ऑन अ हाई। आई थॉट इट वाज वेरी गुड। So congrats, I thought it was a very entertaining act. Thank you, Arbaaz. Aji? बहुत बहादुरी से निभाया गया एक्ट है ये, वेरी ब्रेव अटेम्प्ट। सुदेश, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने रोल को, सूत्रधार को, और वो जो एक मोटिव था, रेपिटेशन था कि आपको चाय पीनी है, आपको पानी पीना है, आपको बाथरूम जाना है, नहीं लाइनें नहीं है। आई लव दैट, ब्यूटिफुल। ये राइटर ने लिखा है या आपका इम्प्रोवाइजेशन किसका है? सब उन्होंने लिखा। राइटर मिस्टर वंकुश अरोड़ा। वंकुश, सो वंकुश वेरी गुड, बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच मेक एन एक्ट स्पेशल। एंड में जो एक्ट उठा है और वो जो संधि और सुधा, आई लव दैट। नॉट अ परफेक्ट एक्ट, और कमियाँ थी इसमें, लेकिन ऑल इन ऑल इट वॉज अ ग्रेट एफर्ट, और जैसा कि मैंने कहा, वेरी ब्रेव अटेम्प्ट। थैंक यू आर्ची। आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? 9 पॉइंट्स फ्रॉम आर्ची। अरबाज? आई वाज इक्वली एंटरटेन्ड। 9 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज। वैसे एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूंगी। आपके पहले जो यहाँ पर जज बैठा करते थे, उन्होंने जो रोमांस शुरू किया था, उसमें हमारा टाइम बच जाता था, क्योंकि हाथ में एक साथ स्कोर्स हमेशा आइडेंटिकल होते थे। हम कैमरा भी बचवा दें आपका, हम एक ही कुर्सी पे बैठ जाया करें, और कैमरा भी बचवा दें और टाइम भी। एक बार किकू, सुदेश और राजीव के लिए जोरदार तालियां। लिखी जाती है, थिएटर में आती है और सुपरहिट हो जाती है, लेकिन कई फिल्में हैं जो लिखी तो जाती हैं लेकिन थिएटर तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि राइटिंग से लेकर थिएटर तक पूरी फिल्म ही बदल जाती है। फिल्म की स्क्रिप्ट से लेकर बनने तक की जर्नी दिखाने आ रहे हैं सिद्धार्थ एज रेट्रो हीरो, विद श्वेता एंड राजीव एज वेरियस कैरेक्टर्स।
फिल्म की सभी घटनाएं और पात्र सच्चे हैं, लेकिन दर्शक काल्पनिक हैं, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि इस फिल्म को देखने कोई नहीं आएगा। और इस फिल्म का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से सिर्फ इतना संबंध है कि जो लोग जीवित थे वो इस फिल्म को देखकर मरे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मैं बकवास कर रहा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं हूं उन हजारों डिब्बा बंद पड़ी फिल्मों में से एक फिल्म का राइटर। लोग कहते हैं कि तूने फिल्म अच्छी नहीं लिखी थी, इसलिए फिल्म रिलीज नहीं हुई। तो मैं बोलता हूं, सालों जो फिल्में रिलीज हुई हैं वो अच्छी लिखी हुई थी। दबंग को छोड़कर मैं बाकियों की बात कर रहा हूं, और सच बता रहा हूं, किसी फ्लॉप फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये जाके शीरीष से पूछिए, और अगर फिर भी यकीन ना आए तो दोबारा शीरीष से पूछिए। मैंने सर फिल्म अच्छी लिखी थी, बिल्कुल एकदम अच्छी, लेकिन कभी उसमें डायरेक्टर ने उंगली की, कभी प्रोड्यूसर ने उंगली की, लेकिन उसके बावजूद फिल्म अच्छी नहीं बनी, तो क्योंकि जैसी मैंने लिखी थी वैसी शूट नहीं हुई। प्रॉब्लम ये थी, आप सोच रहे हो ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, इसमें कोई पंच तो है नहीं, तो पंच वाली स्क्रिप्ट भी जब लिखने के बावजूद, परफॉर्म करने के बावजूद भाई साहब ने 8-8 नंबर ही देने हैं और उसमें कहानी ढूंढनी है, तो मैंने सोचा मैं आज सिर्फ कहानी लेके जाता हूं। वैसे अरबाज भाई, आपसे एक पर्सनली सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि राइटर का ज़्यादा काम मुश्किल है या एक्टर का? एक अच्छी फिल्म के लिए सब उसकी जो बुनियाद होती है वो अच्छी स्क्रिप्ट होती है, उसके बाद किरदार आते हैं और उसके ऊपर। मतलब आपने दोनों को बोल दिया बेसिकली। नहीं, ये फैक्ट है, नहीं बोलना ही पड़ेगा क्योंकि आपके घर में तो दोनों हैं। क्योंकि एक को बोलोगे तो दूसरा भड़केगा, दूसरे को बोलोगे तो दोनों भड़केंगे, क्योंकि पहला तो पहले भड़का हुआ है। लेकिन मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या लिखा था और उसमें उंगली करने के बाद परफॉर्म क्या हुआ। तो सीन वन, टेक वन। लक्ष्मी चमाट मारूंगा, आगे बोल। रमेश, हम कब तक इस तरह छुप छुप कर गार्डन में मिलते रहेंगे? बस कुछ वक्त और। सच? हाँ, क्योंकि कुछ टाइम बाद यह पार्क टूट कर यहाँ बिल्डिंग बन जाएगी, हमें दूसरा खोपचा ढूंढना पड़ेगा। लक्ष्मी, मेरा मतलब है कि तुम कब आकर मेरे बाबूजी से मेरा हाथ मांगोगे? जब तक मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता, तुम्हारे पिताजी से मैं तुम्हारे रिश्ते की बात नहीं करूंगा। हाय रमेश, तुम कितने अच्छे हो, आई लव यू। देखा कितना प्यारा लिखा था मैंने, एक हीरोइन एक हीरो, फूल से फूल टकराते थे लेकिन आपस में कभी। हमारे फिर प्रोड्यूसर को मजा नहीं आया, उसने उंगली करके ऐसा सीन बनाया। अरे बाबा भाई, मैं तो नहीं देख सकता, आप डायरेक्टर हो, आप देख लो, आपको पसंद है तो। ओ रमेश, रमेश क्या रमेश, रमेश क्या होता है? कॉल मी रैमी, समझी? और यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? रमेश, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं वो तो ठीक है, मुझे बुलाया क्यों है यहाँ पे? यही बताने कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ओ, पर बुलाया क्यों है मुझे यहाँ पे? क्योंकि तूने मुझे माँ बना दिया है। अर्चना जी, 15 साल से इस इंडस्ट्री में, मुझे सिर्फ 4 साल हुए हैं लेकिन मैंने इसे कुछ बना दिया है। थैंक यू कृष्णा भाई, थैंक यू। तो तुमने बुलाया क्यों था मुझे यहाँ पे इतनी सी बात के लिए? चाहती तो मुझे तुम फोन करके बता सकती, फोन पे बता सकती थी। अच्छा, मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो रही है, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? अरे इसमें, तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट होगी ना, तुम शादी के बाद मत होना, जैसे अर्चना जी करती हैं, जैसे अपना कृष्णा का स्टैंड अप होता है उसमें स्टैंडिंग ओवेशन दे देती हैं, बाद में जब एक्ट खत्म होता है तो 8-8 नंबर। मैं तो कहता हूं तुम अबॉर्शन करा लो। नहीं, मैं अपना बच्चा इस दुनिया में लेकर आऊंगी, चाहे इसका इल्जाम मुझे उस लंगड़े लाला पर क्यों ना डालना पड़े। लाला, लाला। अरबाज भाई, आपको प्यार से लाला बुलाते? ये था हमारा 70s का हीरो। जा बेटा पीछे जाके चेंज कर। कितना प्यारा सीन लिखता था मैं, माँ बेटे का रिश्ता। 70s की माँ के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इतनी गरीब होती थी 70s में 40s की लग रही होती थी, और ऊपर से सारा दिन कपड़े सीती रहती थी। इतने कपड़े सीती थी जब तक के रील खत्म ना हो जाए, धागे की भी और फिल्म की भी। और ऊपर से हमारी फिल्मों का हीरो बेरोजगार, हर फिल्म में बेरोजगार,
और इतना बेरोजगार होता था उसके बावजूद नीचे इतने इतने बड़े बेल बॉटम पहन के आता था कि भाई तू इतना ही गरीब है तो बेल बॉटम से थोड़ा कपड़ा बचा के अपनी गर्लफ्रेंड का घाघरा ही बनवा ले। लेकिन शौक सारे अमीरों के पाले होते थे। मैंने अच्छे सीन लिखे, जो मैंने लिखा था पहले आप वो देखिए। माँ 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 तुम कहाँ हो माँ? श्रुति श्रुति तुमने मेरी माँ को देखा है? नहीं, दूसरों के बाप से तेरी निगाह हटे तो मेरी माँ को देखेगी तू? मेरी माँ को तो गुंडे उठा के लेकर गए थे, तेरे को टुंडे उठा के लेकर जाएंगे। माँ माँ कहाँ हो माँ? बेटा मा, सुरेश तू आ गया? नहीं नहीं यार, बस चिल्ला रहा था। माँ माँ मैं तो अभी आऊंगा। ये बात तुमने बोल के प्रूफ कर दिया माँ कि 70s की माँ की आंख खराब होती थी। समझ गई माँ तुम? अरे चुप कर, ये बता बेटा कि सुबह से कहा था? और क्या हो गया तुझे? ठीक से बोले मैं मारू थप्पड़। माँ मैं इंटरव्यू के लिए गया था, मेरी नौकरी लग गई। माँ क्या तेरी नौकरी लग गई? हे भगवान तूने मेरा सुन लिया, भगवान तूने मेरी सुन ली। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। पता तेरी तनख्वाह कितनी है बेटे? अरे 12 रुपए महीने माँ। 12 रुपए महीने? हाँ माँ। तो अच्छा था कि तू सिग्नल पर भिखारी बन जाता। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी देश का गवर्नर लगाऊं? सिग्नल पर भीख मांगने का 12 रुपए मिलते हैं माँ। लेकिन तुम्हें माँ, लेकिन अब से तुम्हें कपड़े धोने की जरूरत पड़ेगी। 12 रुपए में कुछ नहीं होता माँ, 12 रुपए कुछ नहीं होता। क्या बोलती हो माँ? लेकिन तुम टेंशन मत लो, माँ को और काम भी ढूंढ लूंगा माँ। अच्छा, 3 दिन से अपना कच्चा तो ढूंढ पाया नहीं, नौकरी ढूंढ लेगा? बताओ सबको तो अंदर क्या पहनता है? खबरदार जो लिफाफे की बात की तो। लिफाफा? अच्छा तू अंदर लिफाफा पहनता है? वाह बेटा वाह, तू तो बड़ा तेज है, बहुत चलता है तेरा दिमाग, एकदम मामा चौधरी की तरह। माँ तुम फंबल मार रही हो, चाचा चौधरी नाम था मामा। अरे बेवकूफ, तू जो शो कर रहा है ना उसमें मामा ही चौधरी है। खैर ये बता कि अब क्या करें? वो लाला आता होगा मकान का भाड़ा लेने के लिए। आने दो मामा। अरे भाड़ा कहाँ से लाएगा बेवकूफ? देगा माँ। ऊ लाला। देखा माँ? राधा रानी, अगर तेरी माँ बेटे की बात खत्म हो गई हो तो मेरा भाड़ा दे दे राधा रानी। ये कौन है माँ? ये लाला है, भाड़ा लेने आया है। लाला, मेरी माँ कंगन लौटा दे। लाला पड़ मारूंगा तेरे मुंह पे। तेरी माँ ने कभी कांच की चूड़ियां नहीं पहनी, सोने के कंगन साले नागी ज्वेलर दे के गया इसको। बाड़ा लाओ बाड़ा बेटा, बाड़ा लाओ बेड़ा। क्या बोलता है? लाला लाला हमें थोड़ा बात दे दो। लाला धोती उतर जाएगी। हमें थोड़ा बात दे दो और तुम्हें बाड़ा टाइम पे दे देंगे। हमें थोड़ा बात दे दो। अरे धोती निकल जाएगी। अरे सच में निकल जाएगी, रुक जा। ऐसे मैं सीरियस सीन लिखता था, लेकिन पता नहीं कैसे फनी हो जाते थे, पता नहीं कास्टिंग गलत हो जाती है। लेकिन कितना प्यारा रिश्ता था माँ का बेटे का, जिसका सर हमेशा माँ के सामने झुका रहता था। लेकिन फिर वही बात, प्रोड्यूसर ने उंगली की, उसको सीन अच्छा नहीं लगा, उसने ऐसा सीन बनाया कि माँ की माधुरी बना के रख दी। आप देखिए, मैं तो नहीं देख सकता। माँ कसम, क्या माल है यार, क्या माल है। देखो मेरी नौकरी लग गई है, मेरी शादी की तैयारी होने वाली है, तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। एक मिनट, माँ जूता चुराई की रसम बाद में। माँ कहाँ तो? माँ माँ अरे चुप कर,
खुद ही माँ माँ किए जा रहा है, कुछ माँ बहन उनके लिए भी तो छोड़ दे जो एक्ट के बाद हमें देंगे। और तुझे कितनी बार कहा है कि लोगों के सामने मुझे माँ ना बोला कर, दीदी बोला कर, दीदी। हाँ दीदी बोलू, अभी तेरे ये जो रंग करा है ना उतारूंगा तेरे अंदर से दीदी निकलेगी, समझी तू? माँ जीजू कहाँ है? माँ मेरे बताओ, मेरे जीजू का कातिल कौन है? जीजू का कातिल? हाँ तू दीदी हो, मेरा बाप जीजू नहीं हो सकता। बकवास ना कर, उन्हें थप्पड़ खींच के मारूंगी मुंह पे, पता सुबह से कहा था। नौकरी लगी थी माँ। कौन मर गया? मेरी नौकरी लग रही माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया माँ। नौकरी? अबे बेवकूफ, तू नौकरी करेगा क्यों? माँ मैं चाहता हूँ मेरे अपने पैरों पे मैं खड़ा हो जाऊँ माँ। बेवकूफ कहीं का, जिन्हें पैसे मिल रहे हैं एक्ट के बाद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, वो तो खड़े होते नहीं है। तू खड़ा होकर क्या उखाड़ लेगा? राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, ये तो राधा चाचा निकल आया। राधा रानी, राधा रानी। माँ मैंने कहा था ना हमारी जमीन खराब है। साले जमीन नहीं खराब, मेरी टांकी खराब है। राधा रानी भाड़ा दे दे। राधा रानी ये लाला है, भाड़ा मांगने आया है। लाला क्या? साले मेरी विग तेरे असली है, मेरी गिर जाएगी उधर। लाला बेचारा, हमें थोड़ा वक्त दे दो, हम तुम्हारा भाड़ा चुका देंगे। हमें थोड़ा वक्त दे दो राधा रानी, थोड़ा वक्त दे दो। जैसे तू मोहलत मांग रही है ना, तूने भाड़ा नहीं मेरा घर खरीद के जाना यहां से। राधा रानी पैसे मत दे, मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में ले ले। लाला देख लो, पहली औरत है जो ला ला भी बोलती है और ना ना भी कर रही है। अरे 2000 के लिए तुझ बूढ़े से कौन शादी करेगा? अच्छा तू तो जैसे कल पैदा हुई है ना, 3 बार तेरी मरने की उम्र निकल चुकी है। बकवास बंद कर, नाम तेरा लाला, दिल में तेरा उलाला उलाला। ये थी हमारी कहानी, ये देखिए अच्छे सीन्स लिखे थे मैंने, लेकिन उसमें कभी डायरेक्टर ने उंगली, कभी राइटर ने उंगली, अच्छी खासी बर्रास सानी जैसी फिल्म को इमरान हाशमी बना के रखती। अभी अच्छी खासी एंडिंग में तूने उंगली की है, बेटा मार्क्स मांग ले। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हर मंच पर हर जगह पर जब भी किसी लिखी हुई चीज़ में कोई उंगली करता है तो वो चीज़ खराब होती है, लेकिन कॉमेडी सर्कस सिर्फ एक ऐसा मंच है, यहाँ पर चाहे राइटर उंगली करे, चाहे एक्टर उंगली करे, चाहे डायरेक्टर उंगली करे, चीज़ अच्छी ही बनती है। और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें चाहे जज भी उंगली करे ना, तो उस वक्त ना सी अगली बार चीज़ जरूर अच्छी बनती है। तो अब आपकी बारी है, थैंक यू। अर्चना आपसे शुरू करते हैं, आपको ये एक्ट काफ़ी पसंद आया? बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, दर्शकों को कह रही हूँ कि ये जो सिद्धार्थ है, क्या उम्र आपकी मैम? 20। 20, 20 के हुए हैं अभी कॉमेडी सर्कस करते करते। वो गाय आउटसाइड ऐसे थे नींद में 2 मिनट पहले, मतलब एक्ट से 2 मिनट पहले, और मुझे लग रहा था ये खड़े खड़े ही सो जाएंगे, और इनको पीछे झिंझोड़ा जा रहा था ये एनर्जी लाना, ये कहता हाँ लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा। And look what you did on this stage. I mean, I was feeling proud of you. I was feeling pity on you. Ki itni neend ke bawajood you gave this performance on this stage. Very well done, Siddhar. Very well done. And then Shweta, such a lovely, warm, energetic and inspired performance. Very, very nice. Lekin Rajiv, mere bhai, kya kha ke aaye tum ghar se aaj subah? You are on fire. और ऊ लाला ये लाला मतलब, और जो लाला ने शशि जी के साथ जो पैर के साथ पैर मिलाए, अमेजिंग। इतनी बढ़िया लिखी गई है स्क्रिप्ट, किसने लिखी है? राज ने लिखी है, और मतलब देयर इज नो डाउट दैट ही इज वन ऑफ आवर फाइनेस्ट राइटर्स इन इंडिया टुडे, नॉट ओनली कॉमेडी सर्कस, क्योंकि जो भी यहाँ लिखते हैं वो हमारे हिंदुस्तान के तो बेस्ट हैं ही। और आप तीनों ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है कि This is what I'm saying. Cheers to you. Cheers. Thank you. Arbaaz? मैं सोच रहा हूँ पहले आपको पॉइंट्स दे दूँ फिर बात करूँ। ठीक है। Wow. Thank you. आपका ये जो एक्ट था ना बड़ा अच्छा लिखा गया था, एंड एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म्ड एक्ट। श्वेता टुडे यू वर सो गुड, एंड सिद्धार्थ तुमने तो कमाल कर दिया यार, मतलब
मेरे ख्याल से पहली बार अभी दोनों पैरों पे आप खड़े हो। आपने ये जो शशि जी को अपना इतना अच्छा करते हो आप, एंड मेक्स इट सो एंडियरिंग एंड वेरी नाइस। राजीव, आपके जो रेंज है एज एन एक्टर, वो आज हमको इस मंच पे देखने मिला। स्पेशली आपका जो लाला वाला परफॉर्मेंस था, वो जेन्युइनली ओ लाला ला, फैंटास्टिक, थैंक यू, वेरी वेल डन, डिजर्व द 10 पॉइंट्स, एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी। एंड आई वांट टू ऐड समथिंग, सॉरी, आई वांट टू ऐड समथिंग दैट बिकॉज़ इट्स राजीव और आज तक ये गेस्ट के बतौर ही इस सीजन में काम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार जब नंबर मिले तो 10-10 मिले, सो आई वांट टू स्टैंड। राजीव, श्वेता और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां। हनीमून के दिन ही छिड़ गई है बॉर्डर पर जंग, अब एक फौजी है तंग कि जाए तो जाए कहां। प्यार और जंग की कश्मकश लेकर आ रहे हैं भारतीय दुल्हन मंत्रा एज दूल्हा एंड मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स। क्या करनी हो डार्लिंग, अरे अब आ ही गई है तो आओ थोड़ा सा हनीमून भी मना ले। बड़ो 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 अरे बड़ो 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 रुकावट के लिए खेद है। हाँ तो डार्लिंग, जैसा कि मैं कह रहा था, आओ थोड़ा सा टिंका चिका हो जाए ना प्लीज। नाचना क्या हनीमून, अभी तो मनाया हमने गाने में। गाने में नहीं, वो तो केवल हम डांस कर रहे थे बेबी, उसको हनीमून नहीं कहते। अरे चुप करो जी, खबरदार मुझे छुआ भी। अरे तेरे माँ बाप क्या कहेंगे, लाखों रुपया खर्चा करके तेरे को ये गंदे गंदे काम के लिए भेजा था। तुम बहुत मासूम हो, शादी के बाद सब कोई करते हैं, जितने शादीशुदा लोग बैठे वो सब कुछ कर चुके जो जो मैं करना चाहता हूँ सब। बादल गणत रहे? ए नहीं जी, मैंने तो धमाकों की आवाज सुनी है। हाँ तो मैंने तो ट्रैवल एजेंट को बोला था ना कि हनीमून के लिए कोई धमाकेदार जगह देना, तो शायद धमाकेदार जगह दी होगी। नहीं जी, मैंने बम गोलों की आवाज सुनी है अभी। अच्छा, हमें बड़ा 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 बड़ा। अच्छा अब समझ में, हम बॉर्डर पे हनीमून मनाने हैं, इसका तो बहुत फायदा है ना, यहाँ के भूमा भूम में अपनी आवाज दब जाएंगी ना, तो आने के ना। ना जी ना, मेरे को मत हाथ लगाओ, मैं बुला लूंगी किसी को, भी कोई है इधर, मेरे को बचाओ इस दरिंदे से। दरिंदा अले, मैं तो इसका पति हूँ। अरे मेरी जान, मेरी बात तो सुन। अरे मैंने बहुत तरीके से, बहुत मशक्कत से तेरे को पाया डार्लिंग, प्लीज। वेलकम मेजर कुलदीप, वेलकम। आपको ये जानकर खुशी होगी, मैंने सारे फौजी भाइयों के लिए खाना बना लिया है, बस अभी मैं रोटी बनाने के लिए सिलेंडर लेने जा रहा हूँ। ओहो, मुझे तो सिलेंडर मिल गया, चलो मेरे सिलेंडर। कैसी बात कर रहे हो, सिलेंडर नहीं वो मिलनी भी है। ओहो, सिलेंडर के साथ रेगुलेटर भी फ्री है। अबे कैसी बात, अरे भगवान। एक मिनट जी, छोड़ो इनको। हाँ? क्या रेगुलेटर फेगुलेटर लगा रखा है, देखो जी मैंने शादी का जोड़ा डाला, मैं दुल्हन हूँ और ये मेरे पति है, कैसी बातें कर रहे हो, कैसा बंदा है ये। बंदा नहीं, खरबंदा। हेलो मेजर कुलदीप, मैंने यहाँ पर दो लोगों को पकड़ा है, एक जो है सस्ता डेनी है और दूसरा गंगनम वाला है। ये शादी का जोड़ा पहनकर घुसे है। अरे नहीं भाई साहब, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, ना तो मैं सस्ता डैनी हूँ और ना ये गंगनम वाला है। अरे हम दोनों तो पति पत्नी है, यहाँ पर चिपकने आए हैं। ओहो, चिपकने आए हैं, जस्ट लाइक माई टीथ है, दे आर किसिंग ईच अदर। अरे भाई, अगर आज सोहेल भाई होते तो कितना खुश होते, मूवी इन इंग्लिश में कॉमेडी कर रहा है। हेलो मेजर कुलदीप, क्या कहा, दुश्मन ने कहा है कि सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, लंच अजमेर में करेंगे और डिनर दिल्ली में करेंगे। अरे उनसे कहो कि यहाँ जंग चल रही है, कोई उनके बाप की शादी का बुफे नहीं चल रहा है। वेलकम,
मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जाना आपको निकलना चाहिए, आप आपको तो निकलना चाहिए वरना हमें निकाल देंगे। बोल अच्छा और बोलो, तुमको मेरे साथ हनीमून नहीं मनाना? कैसे पागल पागल लोग यहाँ पर आके फंस रहे हैं। ना जी ना, अब वो चला गया, आप ये मत सोचो कि आप बस शिकार देके भेड़िए की तरह लपट पड़ोगे। मैं बड़ी जिम्मेवार लड़की हूँ, आपको पता है मोहल्ले में कोई भी गड़बड़ काम होता था ना, सारी जिम्मेवार मैं होती थी। तो तुमने जब इतने सारे अध्याय पढ़ रखे हैं तो ये दो तीन पंक्तियां पढ़ने में तुम्हारा क्या जा रहा है बीबी? जाते हो, जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ जो एक बार दिल में, उनसे कहूँ तो चलूँ, तो चलूँ। भाई साहब, मेरे को आप शरीफ लग रहे हो, मेरे को इससे बचा लो, ये मेरे साथ गंदे गंदे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे? अरे नहीं भाई साहब, हम दोनों हस्ती इतनी है, पति पत्नी है, मतलब हमको, हम दोनों यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आए। सब जी, आपके बच्चे हो, मिट्टी में खेल कर आए हो। ये मिट्टी नहीं है, ये मेरी माँ है, माँ ये माँ शक्ति, ए शक्ति, ए शक्ति, मैं तुझे गोली मार दूंगा। कैसे बात करते हैं? नहीं भाई साहब, हाय उक्कू, हाय उक्कू, ए हाय उक्कू। भाई साहब चलनी नहीं थी, आप तो जबरदस्ती मरवा दोगे। हर सारा स्क्रिप्ट में राइटर ने नहीं मारा, तुमने मार दिया यार। मेरी माँ भाई, मारना नहीं था उसने। ए धरती मेरी माँ है, ए धरती मेरी माँ है, माँ। नमस्ते आंटी जी, चलती हो गई। तो तुम्हारी माँ डरती है तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ए डरती नहीं है, डरती डरती, ए धरती मेरी माँ है, अर्थ अर्थ, अर्थ इज माई मदर, I don't try to be my father. The earth is my bed. The sky is my ceiling. The whole creation is my native place. Hi, Uku, Uku, hi, hi. Hey! If Sohail bhai hote to kitna khush hote. Movie angrezi mein comedy kar rahe hain. बीवी को हनीमून के लिए शिमला मलेशिया लेके जाते हैं, ये गंदी सी रेत पे लेकर आए हैं, कितने सांप बिच्छू कीड़े मैंने निकलते देखे अभी यहाँ से। सांप बिच्छू पैदा नहीं करते धरती माँ सर, ये कहते कि धरती माँ सांप बिच्छू पैदा करते हैं सर, इसने मेरी माँ को गाली दी। ए धरती मेरी माँ है, ये सांप मेरा चाचा है, ए बिच्छू मेरा मामा है, ए कछुए फुप्पा कहाँ है, कछुए फुप्पा है किधर है? सांप आपके पैर में था, चाचा ने काट लिया, आयो को आयो को आया, चाचा ने काट लिया। भाई साहब जाके अस्पताल में चेकअप कराइए, भाग कर जाइए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। भाई साहब जो चीज इतनी तकलीफ देती है उसको निकलवा क्यों नहीं देते हैं? आपको लगता है ऐसे नहीं पहचानोगे? अरे अक्षय अल्लाह, तुम लोग जानना चाहते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बताओ। क्योंकि मुझे बड़ी उम्र की औरतें पसंद है। नहीं नहीं, देख जाता है। भाई साहब आपको बड़ी उम्र की पसंद है, मुझे बड़ी कमरे की पसंद है, अगर आप मुझे थोड़ी सी दरख्वास्त दे तो मेरा भी बहुत कुछ चाहता है। प्लीज आप जाइए यहाँ से, निकल लीजिए पतली गली पकड़ के। ओ यार पूरी बॉर्डर आएगी, मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। भाई साहब ये बॉर्डर का डायलॉग नहीं है, ये बॉर्डर का नहीं, हर हिंदुस्तानी का डायलॉग है, इसका है, इसका है, इसका है, और अरबाज भाई का भी है। पागलपन के दौरे पड़े साले, यहाँ पर सुबह 6 बजे सबको एक अलग टाइम पे क्यों दे रहा है, एक अलग टाइम पे साले डायलॉग मार रहा है, साले हिंदुस्तानी का डायलॉग, हिंदुस्तानी का डायलॉग क्या क्या हो गया? हट, मुझे नहीं करना पार्टनर एक्सचेंज, हट पूर्वी, पूर्वी किधर है गई तू? हाँ तो ये क्या हो रहा है? अरे ऐसे कैसे मर सकते हो जी, एंड करो, मुझे नींद आ रही है। साउंड इफेक्ट देना गोली का प्लीज। नहीं जी, आप ऐसे कैसे मर सकते हो, पहले एक्ट का एंड तो करो। साले मेरे हनीमून की बिगिनिंग नहीं हो रही, तेरे को एक्ट की एंड की पड़ी है, आप ही कर दो जो एंड करना है प्लीज। प्लीज चाहे अच्छे नंबर दो चाहे गंदे, अब तो मैं हनीमून मना के रहूंगी आपके साथ। मुझे बॉर्डर पे भेज दो। जज प्लीज कम से कम अच्छे मार्क्स तो दे दीजिए। अर्चना, इस एक्ट में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो नहीं था आप तीनों ने उसमें डाला, अपनी जान डाल दी आप तीनों ने, और खासतौर से मंत्रा जो एंड में आपने किया, जो आपने अपने सर पे जूते मारे, एक आध यहाँ पर भी दे देते हम भी मार लेते, बोला ओ माय गॉड। मुबीन आपने अपनी जान डाली और इस एक्ट में जान डाली अपनी मिमिक्री से,
और वो जो बिड़ो 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 वो क्या था यार, वो क्या था? वो जग्गू दादा की कैमियो। हाँ, और भारती आपने जो आपको दिया था आपने बहुत अच्छी तरीके से किया, जैसे कि हम अपने बॉर्डर के साथियों को सलाम करते हैं, इन तीन साथियों को भी सलाम करते हैं। थैंक यू आशी। अरबाज, एक्ट जो था वो बॉर्डर के ऊपर था, मंत्रा ऑलरेडी रियलाइज कर रहा है कि कहीं ना कहीं जाके मार दो मुझे। तो बॉर्डर पे थोड़ा परफॉर्मेंस भी थोड़ा बॉर्डर लाइन था। आप लोगों की जो एनर्जी लेवल, द सिंसियरिटी, द ऑनेस्टी टू द वर्क डिड नॉट सफर। आई थिंक यू ऑल ट्राइड योर बेस्ट एंड इट वॉज गुड इन पोर्शन, इट वॉज फैंटास्टिक, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई विल ओनली लॉर्ड द फैक्ट दैट आपने एफर्ट बड़ा सिंसियर किया, लेकिन कहीं जाके आज सब कुछ करने के बाद भी कुछ कमियां थी एक्ट के अंदर। थैंक यू अरबाज। तो जजेस, इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे आप? अरबाज 8 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज, आर्ची 9 पॉइंट्स फ्रॉम आर्ची। कृष्णा और लड़की का साथ बड़ी खतरनाक होती है ये बात, लेकिन इस बार ये खतरा कृष्णा के लिए भी होगा, क्योंकि इस बार लड़की को पाने के लिए उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा करना पड़ेगा। अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए कृष्णा करता है क्या क्या तिकड़म, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कृष्णा एज हिमसेल्फ, सुगंधा एज हिज गर्लफ्रेंड एंड सिद्धार्थ एज अ बॉयफ्रेंड। आज बहुत मजा आने वाला है। रेडी नहीं है? रेडी नहीं है। अरबाज भाई कैसे हैं आप? ये मतलब क्या अभी सोच रहे कि मैं अभी स्टैंड अप करूंगा? मैं स्टैंड अप करूंगा फिर आप स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, फिर दूसरा आएगा तो फिर आप उसको गाली देंगे, तीसरा आएगा तो उसको आप मारेंगे। कब तक ये परंपरा चलती रहेगी? ये मतलब कॉमेडी टाइमिंग का खेल है, और जो टाइमिंग हो रही है फिलहाल, इस टाइमिंग पे आपसे ढंग से सिट डाउन नहीं हो रहा, हमसे स्टैंड अप क्या होगा? सही है, सही है। और ऊपर से जब स्क्रिप्ट ना हो क्या यार, तू बाहर नंगा घूम रहा था? ये बाहर नंगा घूम रहा था अर्चना जी, अपनी चड्डी हाथ में लेके बाहर सड़क पर। पुलिस वाले आ गए, कहते साले कैसे घूम रहा है तू, लोग देख रहे चड्डी पहन। कहते नहीं पाजी, मुझे शर्म आती है, डर लगता है, और आसपास कोई झाड़ी भी नहीं है जहां मैं जाकर बदलूं। अरबाज भाई, ये इतना बेवकूफ रोमांटिक आदमी है, मैं आपको बता नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड थी, ये लोग दोनों कहीं बाग में रोमांस कर रहे थे, तो खुश हो गई वो गलती से, तो इसको अपने घर पे ले गई। घर पे जाके ऐसे बेड पे बाहें फैला कर लेट गई, कहती है कुछ समझे? कहता हाँ समझ गया, आज तुम अकेले सोना चाहती हो, मैं चलता हूं। मैं क्या बताऊं अर्चना जी, मेरी लव लाइफ के एकदम वाट लगी हुई है, लेकिन मुझे एक लड़की मिली। अब जब लड़की मिली तो मैं छोड़ूंगा थोड़ी, आपको मालूम है। लेकिन प्रॉब्लम है, वो लड़की का बाप है ना, उसकी शादी कहीं और करवाना चाहता है, और मैंने प्लान किया उस लड़के को मैं उल्लू बनाऊंगा आज, लड़की का नकली चाचा बन के, देखते हैं कहाँ है वो लड़का। अब लाइनें नहीं जितना डांस कर। अच्छा क्या है? हाँ। बारह नंबर का गली किधर है? बारह नंबर का गली। हाँ, बारह नंबर का गली। ये सीधा रास्ता देखते हैं आप? हाँ, ये एकदम सीधा। ओके, थैंक यू। थैंक यू नहीं, इधर नहीं जाने का, इधर से लेफ्ट लो। ओके, लेफ्ट लिया। लेफ्ट लेके राइट लेंगे ना, ओके, एक गंदा नाला आएगा। अच्छा, उधर नहाना मत। पानी गंदा है क्या? नहीं नहीं, और गंदा हो जाएगा। उसके आगे जाने का एक पान बीड़ी की दुकान है। अच्छा, उधर ऐसा तीन कुत्ते लेटे रहेंगे, आज दो कुत्ते लेटे होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे साथ में। नहीं नहीं, एक्चुअल चार कुत्ते थे, दो ने एक को भेजा है चौथा किधर है। जस्ट किडिंग यार, मेरे को बारह नंबर गली उधर जाने का है, वो इम्पोर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट है? हाँ। तो बताते देखो, ऐसा इधर सीधा जाने का, ओके, इधर अंधेरी का ब्रिज गिरेगा, ओके, ठीक है, फिर ऐसा लेफ्ट मारने का, हाँ, उधर 14 माले का बड़ा लंबा बिल्डिंग गिरेगा, हाँ, फिर उसका आगे जाएंगे तो बांद्रा स्टेशन गिरेगा। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया? मेरे को नहीं जाने का है। काय को? अरे इतना सब गिरेगा तो मैं काय नहीं जाएगा, मैं नहीं जाएगा भाई। अरे गिरेगा मतलब पड़ेगा होता है बे। पड़ेगा अभी मेरे हाथ का तेरे को पड़ेगा।
चुपचाप ये पढ़ेगा और मेरे को बताएगा किधर जाने का है। ए तो फिर मेरे को इंग्लिश नहीं आती। अरे यार सुगंधा मिश्रा को जानता है तू? अरे सुगंधा मिश्रा तो मेरी भतीजी है। हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। कौन सी बड़ी बात है, उससे तो बहुत लोग प्यार करते हैं। नहीं नहीं फिर दूसरा वाला, वो भी मेरे से प्यार करती है। उसमें भी कौन सी बड़ी बात है, वो भी बहुतों से प्यार करती है। ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, कौन है तुम यार? अरे मैं उसका चाचा बोला ना। अरे चाचा पालो के चाचा, लात लगा चाचा, मैं भूल गया था आपको। आप चाचा, मैंने सुना आपके बारे में बहुत कुछ। ना रहेगा ना। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? अरे बहुत म्यूजिक दिया आपने। म्यूजिक? अरे लोग ए ग्रेड और बी ग्रेड पिक्चर में म्यूजिक देते, हम तो सी ग्रेड फिल्म में म्यूजिक देते। सी ग्रेड फिल्म में म्यूजिक? हाँ। लेकिन सी ग्रेड में म्यूजिक होता है? अरे बहुत होता है। नहीं मैं एक्चुअली क्या म्यूट करके ही देखता है ना, म्यूजिक सुनाई नहीं देता है। आप उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं ना। माई सेल्फ क्या नाम है मेरा, सावंत। राकेश सावंत। हाँ राकेश सावंत। राकेश सावंत। राखी सावंत के कुछ लगते हो क्या? नहीं 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 नहीं, हट। हाई क्लास आदमी। काहे को इधर रहते थे? अरे मेरा उससे काम है। आप और क्या करते? कौन से फिल्म के आपने? अरे आपको बताते हैं, अभी मेरा अभी पिक्चर आने वाला है। कौन सा? सैया की नैया में क्या है? पपैया। क्या बात है यार। हाँ तुम तो बहुत अच्छे घर के लगते हो। पपैया पता है तुमको? ओ, म्यूट करके देखते हो, लेकिन टाइटल आता है ना वो। अच्छा अच्छा, अभी उसका हम लोग सेकेंड पार्ट भी बनाने वाले है। हाँ हाँ, तो उसमें पता है क्या रहेगा? दो दो पपैया। अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे मेरे डैडी जो थे ना, हाँ, वो उनको पिक्चर बनाने का बहुत शौक था। देशभक्ति की भी बहुत पिक्चर बनाया, मतलब कंट्री से बहुत प्यार था उनको। कंट्री? हाँ कंट्री पीपी के मर गए। कौन सा पिक्चर किया था उन्होंने? उनका बहुत पिक्चर आया था अभी, ये भूतनी का नाच गरम तवे पे। हाँ देखा लगता है शायद। उसका सेकेंड पार्ट भी आया। क्या? जलती हुई भूतनी। वैसे वैसे अब तवे पे नाचेगी तो जलेगी ना। क्या बात कर, बस मैं फ्रेश हो गया भाई। नहीं और रुको, इंटरनेशनल फिल्म क्या था? इंटरनेशनल फिल्म? इंटरनेशनल फिल्म भी बनाए? हाँ। बंद करो। इंटरनेशनल फिल्म तो दादाजी ने बनाया था। कौन सा? नहीं अच्छा अच्छा सुनो, बहुत अच्छा यार, हंसो बता वो। इंटरनेशनल फिल्म क्या था, क्या था? एक मिनट। हाँ मेरे पर दादाजी ने इंटरनेशनल फिल्म भी बनाया था। कौन सा पिक्चर का नाम था? मौसम्बी चूसो। अच्छा फिल्म पसंद आई लोगों को? फिल्म फिल्म पसंद आई लोगों को? हाँ अच्छा इंटरनेशनल फिल्म की थी। इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, हो गया हो गया। पागल हो गया। अच्छा वो इंटरनेशनल फिल्म किया था दादाजी ने? ये ऐसा तुम्हारा खानदान है? अरे तो क्या, अरे ऐसे खानदान में मेरे को नहीं करनी शादी भी थी। नहीं करनी? मेरे को जाने का है। हाँ तो जाना, अपने को क्या लेना देना है, भाग इधर से। अपना काम बन गया, लड़का चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? तुम्हारे जीवन में जो जो मिस रहा है वो मैं पूरा करूंगा। तुम फिल्म लाइन में नाम कमाना चाहती हो ना? हाँ। स्टार बनना चाहती हो? हाँ। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ? क्योंकि कभी कभी कुछ पाने के लिए सोना भी पड़ता है। क्या? खोना भी पड़ता है। I'm sorry, थोड़ी सी लेट हो गई। हाँ गुस्सा तो नहीं हो? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या दो घंटा तो वेट किया अभी क्या? अभी क्या है ना, एक दो घंटे तो घर पे जाने दो ना। तुम क्या चाहते हो कि मैं 24-24 घंटे शॉपिंग ही करती रहूं?
अच्छा मतलब ये शॉपिंग ही करते हो, मतलब क्या बताना चाहती हो तुम? कैरबाज भाई को ये शॉपिंग का मतलब नहीं समझेंगे क्या? बहुत शॉपिंग किया उन्होंने, समझे? बहुत लोग अभी क्या शॉपिंग करने जाते हैं मॉल में, ऐसा माहौल बनाते ना, ऐसी शॉपिंग करते हैं, मेरे को सब मालूम है। कराओ ना, नीचे बैठते ना, थोड़ी बात करते हैं। क्यों बैठ के? क्यों बैठ के? थोड़ा और क्लोज होंगे ना। मैं चाहती हूँ कि आज हम कुछ डिफरेंट बातें करें, मतलब मिक्स इमोशनल, हंसी की, रोने की, यू नो। मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि क्या 40 एपिसोड उस लहरी के साथ कर करके पागल हो गया हूँ। आज 40 एपिसोड बाद मुझे लहरी की जगह ये गिलहरी मिली है। मुझे एक बात बताओ, मैंने सुना है तुम्हारे नाना जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि तुम ये एपिसोड उन्हें दिखाओ। क्यों? क्योंकि क्या फिर फ्यूचर में या तो वो सारे एपिसोड देखेंगे या वो कभी भी कॉमेडी सर्कस नहीं देखेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बच्चे पसंद हैं? हाँ बहुत। चाहिए अभी? अभी नहीं, मेरा मतलब उसके लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं, मतलब हम लोग डांडिया खेलेंगे है ना, गरबा का माहौल बनाएंगे, फिर जैसे म्यूजिक की आवाज बच्चे सुनेंगे वो मोहल्ले से भागकर यहाँ पर आएंगे, फिर तुम बच्चों के साथ खेल लेना। देखो बहुत फालतू की बातें हो गई, मुझे ये बताओ मेरे डैडी ने क्या कहा था? क्या कि लड़के से तुम्हारी तभी शादी कराऊंगा जो महीने का 1.5 लाख रुपए कमाएगा, कुछ सोचो उसके बारे में। अरे तुम्हारे मेरे बीच में पैसा कहां से आ गया सुगंधा? तो मेरे पापा कहीं और मेरी शादी कर देंगे, तुम्हें नहीं पता मेरे रिश्ता देख रहे हैं। रिश्ता देख रहे? लेकिन आज ही सुबह मैंने एक लड़के को भेजा यहां से। तो और बहुत सारी लड़कियां हैं कृष्णा, और अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की ना तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। क्या बकवास कर रही है बे तू? हाँ ये क्या रे, गोली मार दूंगा मैं तेरे को। एए! मार इसको मार। अरे मार, 4:30 बजे की फ्लाइट है, मार जल्दी, मार मार जल्दी मार। अबे मैं तो गाड़ी से जाने वाला था। क्या कर रही है? हमारी जोड़ी तोड़ रही तू? हाँ कब से जोड़ी तोड़ने के पीछे लगी हुई है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? हरे भी कर रही है? जोड़ी तोड़ रही है? लहरी जी ये लो, मार दो इसे। क्या समझ रहे? हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। साले तेरे को लड़की मिली तो मेरे को भूल गया, ट्रॉफी मिली मेरे को भूल गया, कश्मीरा मिली तो मेरे को फोन करता इसको ले जा इसको ले जा, सुंदर सुंदर मिले तो खुद भूतनी मिल गई तो मेरे को फोन करता। अरे मासूम लड़की बेचारी सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर, कभी साला यूं बिठा के यूं यूं कर रहा है, ये तरीका जरा करना चाहो तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, पर नहीं हनी हम इसकी पप्पी ले ले, कौन जिम्मेवार कोई गलत हो जाए? लड़की इतनी सुंदर है उसको एक पप्पी से कुछ नहीं बना, कौन जिम्मेवार है? और सुनो हंसी आई आपको ठीक है, नहीं आई तो मैंने इस एक्ट के कोई पैसे नहीं लिए। देख लो मैं तो अपनी खराब करने आया हूँ, अगर आपको पसंद आया तो नंबर नंबर दे दो, उठाओ उठो उठ जा। तो जजेस इस एक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे अर्चना? जाहिर है इतने सालों में, इतने सीजन्स में आपने कई मरतबा कोशिश की है 4 बजे 5 बजे सवेरे एक अच्छा एक्ट, एक अच्छी परफॉर्मेंस देने की, और कई बार आपकी कोशिश बहुत कामयाब हुई है और कई बार उतनी नहीं। इस बार मैं कहूँगी कि उतनी नहीं हो पाई, बिकॉज लैक ऑफ प्रेपरेशन ऑब्वियस था, स्टैंड अप भी आपने लेट के किया, बैठ के किया, लेकिन उसके बावजूद कृष्णा जिस अंदाज से आपने अपने एक्ट को पेश किया, वो स्वीटनेस, वो इनोसेंस, वो सब बरकरार थी आपके बॉडी लैंग्वेज में। सुगंधा के वाकई में एक दादाजी हैं जो बहुत नाराज़ होते हैं ऐसी परफॉर्मेंसेस पर, लेकिन आपने उसके बावजूद उन्हें कन्विंस किया कि ऐसा ही परफॉर्मेंस होगी। सिद्धार्थ आपने जो हंस हंस के शुरू का वो पोर्शन किया है, कमाल का एक छोटा सा अपने आप में ही एक एक्ट है जो कृष्णा और आपने हंस हंस के और बुरे हाल में किया, उसकी वजह से इनएडवर्टेंटली अनविटिंगली ह्यूमर निकल कर आया, लेकिन एक्ट में उतना कुछ नहीं था कि आपने शुरुआत में ही वैसे कह दिया था कि आज स्क्रिप्ट नहीं है,
उसके बावजूद एक कृष्णा आप ही हैं जो एक समा बांध सकते हैं यहाँ पर. इट वॉज क्यूट स्वीट एंड एंटरटेनिंग नेवरदलेस. थैंक यू मैम. थैंक यू आरजी. अरबाज ये एक्ट देखकर आप पर क्या असर हुआ? नहीं मैं तो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये. इन्होंने अभी अभी तैयार किया एक्ट बट एट द सेम टाइम आई थिंक उन्होंने इस आप लोगों ने इस एक्ट को ना अपने जैसा भी प्रिपरेशन है उसका आपने उसको एक एसेट बना दिया. व्हाट आई वाज एंजॉयिंग कि किसी स्टेज के ऊपर ऐसा लग रहा था कि व्हेन एन एक्ट इज डन लोग करते हैं और हमको मजा आता है, लेकिन आज आप लोगों को हमसे ज्यादा मजा आ रहा था ये एक्ट करते वक्त और वो देख कर हम सबको ज्यादा मजा आ रहा था. अच्छा वो इंटरनेशनल फिल्म का नाम क्या था? मौसमी चूसा. वो आप लोग मतलब मेरे ख्याल से काफी देर तक उसी के ऊपर अटके हुए थे. बट इट वाज वेरी फनी वेरी एंजॉयबल एक्ट. कैन वी क्विकली गिव देम द स्कोर्स? तो अर्चना आपसे शुरू करते हैं. प्रेपरेशन के साथ भी कई टीम्स और कई लोग वो नहीं कर पाते जो आपने बिना प्रेपरेशन के साथ किया, तो इसलिए इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम आरजी एंड यू डिजर्व इट. अरबाज 9 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज. बैंक में चोरी का प्लान और पुलिस वालों का जाल लेकर आ रहे हैं कपिल एस चोर, परेश एस पुलिस इंस्पेक्टर एंड पूर्वी एस पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी. हैंड्स अप, हैंड्स अप, हाथ उठाओ, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाओ. श्रुति तुम बड़ी फ्रेश लग रही हो फ्रूटी की तरह. ए खड़ा हो. तेरे को कौन अच्छा लगता है कॉमेडी सर्कस में? कपिल. साले शरेआम नाम लेके नजर लगाता है. तुम्हें कौन अच्छा लगता है? कृष्णा. शरेआम मेरे दुश्मन का नाम ले रही है. तुझे कौन अच्छा लगता है बे? जाकिर हुसैन. मंत्रा. शरेआम झूठ. तुझे कौन अच्छा लगता है बे? कभी कपिल कभी कृष्णा कभी मंत्रा. जो किसी एक का नहीं हो सकता वो कभी अपने देश का नहीं हो सकता. मैं कोई आम डकैत नहीं हूं. हम खानदानी डकैत है. आप सोच रहे होंगे कि खानदानी डकैत कैसे? हमारे खानदान में बड़ी डकैतियां हुई हैं, उसकी वजह से हम लोग गरीब हो गए, वरना हम लोग बड़े अमीर थे. कोई जमाना था अंग्रेजों के जमाने से पहले, हमारा बहुत बड़ा महल हुआ करता था. इतना बड़ा महल हुआ करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी पुराना बहुत था. हम लोग डर के मारे पंखा नहीं चलाते थे कहीं गिर ना पड़े. इतना बड़ा महल आप यकीन नहीं करेंगे कि बेडरूम से लेके बाथरूम तक जाने में 2 साल लगते थे. एक बार हमारे परदादा 1.5 साल तक तो चलते रहे, लेकिन बीच में उनके सब्र का बांध टूट गया. तो लोग बताते हैं भी जो धमाका हुआ महल के चीथड़े उड़ गए और महल के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में जो अंग्रेज रहते थे वो तो कब के छोड़ के चले गए इंडिया. बाकी जो बचे थे उन्होंने 1947 में छोड़ा. खैर अरबाज भाई के घर भी डाका मारने गया था. हाँ. क्योंकि मुझे जब पता चला कि 200 करोड़ का बिजनेस हुआ है, लेकिन जब घर पहुंचा सब बातें निकली. छोटे भाई के पास पूरी फुल पैंट नहीं थी और तीनों भाई एक ही बींग ह्यूमन की टी शर्ट फोटोस्टेट करवा के पहन के घूम रहे थे. आप देखो. लेकिन मुझे पता चला है कि इस घर में बड़ा माल छुपा पड़ा है. आज मैं इस घर को लूट के जाऊंगा. हेलो टिंग टोंग. यस सॉरी हमें कुछ नहीं चाहिए. नो सेल्समैन अलाउड प्लीज लीव. हेलो. मैं घर घर जाके ना वॉशिंग पाउडर नहीं भेज रहा हूँ, डाका मारने आया हूँ मैं. डाका मारने? डाका? आप इतने हट्टे कट्टे हैं, आप डाका क्यों मार रहे हैं? हट्टा कट्टा आदमी डाका मारेगा? कमजोर आदमी डाका मारेगा? थप्पड़ नहीं खाएगा? मतलब अपनी बाहें मेरे गले में डालो. ओके. अरे अरे पिजट पिजट. मेरा मतलब हाथ ऊपर करो. यस यस. हाथ ऊपर करो. हाथ ऊपर करो. ओ माय गॉड. क्या हुआ? गोली से ज्यादा तुम्हारी बगलों से स्मेल आ रही है. दिल कर दे तुम्हारी बगल में ठोक के गोली मारूं मैं. सुनो घर का सारा कीमती सामान कहाँ रखा है? देखिए देखिए भाई साहब, चोरी बुरी बात है, आपको ईमानदारी का काम करिए. देखिए बहन उधर बैठिए. yes. मैं आपको एक बात बताऊं? यस प्लीज. बड़े काम कर करके छोड़े मैंने. अच्छा. बस एक मुर्गी बन के अंडा देना रह गया. मैंने बड़े काम किए. आपको पता मैंने कितने काम किए? मैंने कपड़े का काम खोला. हाँ. इतनी कमीनी दुनिया, कपड़ा खरीदने कोई नहीं आया. अगले दिन मैंने कपड़े में लड़की डाल दी, 1000 कस्टमर, साथ में पुलिस. मेरे साथ तो लोग तो रिश्तेदार धोखा करते हैं, मेरे साथ तो भगवान ने धोखा किया. क्या हुआ? मैंने बर्फ का काम खोला अपना, श्रीनगर से ट्रक भर के लाया, बॉम्बे आके पीछे खोल के देखा तो है ही नहीं. क्या हुआ? लूट के ले गए लोग. अरे 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 चल चल तो मत लगा मेरे को. जल्दी बता घर का कीमती सामान कहाँ पे? देखिए भाई साहब हमारे घर में कोई कीमती सामान है नहीं, लेकिन
हाँ मेरे पास एक सोने का दांत है, चाहे तो आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए पीछे वाला दांत है ना, पिछेट। एक ही अच्छी चीज है वो भी मुंह से निकाल देगी, तेरा मुंह कौन देखेगा। सॉरी सुन, मैंने सुना है तुम्हारे घर के बगल में बैंक है। हाँ, उस दीवार के पीछे। पक्का? हाँ। तो एक काम करो, जब हसीना है ना तो थोड़े से अपनी तरफ से भी हंस लो। सुनो, तुम इस बैंक को लूटने में मेरी मदद करोगी। ओके। और जितना पैसा बरामद होगा हाँ। वो सारा मैं लेके निकल जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। बताना किसी को नहीं। हाँ। यहाँ पे मैं बैंक टॉम। लगता है मेरे पति आ गए। ए, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं किसी को हिस्सा नहीं दूंगा। एक काम करो, अपने पति को बुलाओ, फटाफट निकाल देना उसको, और उसको बताना नहीं मैं यहाँ पे हूँ। चुप जाता हूँ मैं, चुप जाइए। उसको बताना नहीं मैं इधर हूँ। ओके। राठौड़, राउडी राठौड़, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मुझसे होता ही नहीं। जानू आप जल्दी आ गए, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। ये क्या जानू, ये क्या? पति अपनी पत्नियों को गिफ्ट देते हैं, गुलाब देते हैं, आप मुझे सांप दे रहे हैं। ये जिन्हें गुलाब मिलता है ना, वो बीवियां भी गुलाब जैसी होती हैं, सांप जैसी सूरत वाली। So mean you are. ये एक बात बता। हाँ। मुझे लग रहा है तेरे एक्सप्रेशन आज कुछ डिफरेंट है। क्यों? कहाँ डिफरेंट है, मैं तो बहुत खुश मिजाजी हूँ, और आज तो मैंने फेशियल भी किया, देखो मेरा चेहरा कितना सुंदर लग रहा है। चुप रे नागिन, दुरट। मुझे दोबारा ड्यूटी पर जाना है। हाँ। और सुनो, हाँ। खिड़की दरवाजा बंद कर लेना, वैसे तुम्हें तो कुछ होगा नहीं, मेरे किचन का सामान कहीं कोई चोरी ना कर जाए, ठीक है? जानू, जानू, आप कुछ भूल रहे हैं। क्या? जाने से पहले मम्मा को एक किस, मेरा मतलब है डार्लिंग को एक किस तो कीजिएगी। नो नो वेट, नो नो, बाय बाय, मेरा व्रत है। दूर। अच्छा व्रत है, तो मेरे होठों पे कौन सा आटा लगा है कि तुम्हारा व्रत टूट जाएगा? एक पति तो दे दो मुझे। एक साल बाद ऐसे ही करते, कभी मुझे पप्पी नहीं देते। आज रात को आने दो, पप्पी दे देके उसे घायल कर दूंगी मैं। हेलो, चले गए, आइए बाहर। ए, मेरे को तेरी पप्पी नहीं। नहीं, नहीं, पप्पी की बात नहीं कर रही हूँ। ये तेरा पति था? यस ये यस। इससे अच्छा 5 लीटर का तेल का पीपा ले लेती, तेरे किसी काम तो आता। इधर बैठ, तेरे पति को देखे मैं खामखा छुप गया, इसके तो सामने डाका मार लेते, ये मेरा काम बिगाड़ देता, उल्टा हमारी हेल्प करता। पहले हम छोटा गड्ढा करते, इसको भेजते कि जा चूहे बाहर निकाल, उसको बोलना बड़े साहब आ रहे हैं। ये मैं बैंक लूटता हूँ। हाँ। और तुम मेरी हेल्प करोगी। देखिए भाई साहब, मेरे दांत बड़े, उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको इस्तेमाल करूंगी इस दीवार पे। सॉरी, आई कैन नॉट। मैंने तुम्हें कहा है डंडा मार के ना मुंह तोड़ दूंगा, ठीक है? अभी किसी को बताना नहीं, अभी घर में कोई नहीं आना चाहिए, कोई पति नहीं आना चाहिए। वाह, लकड़ी के डंडे से सीमेंट की दीवार तोड़ने का मजा ही कुछ और है। राठौड़, राउडी राठौड़। मैंने भी देखी है, सुन। तू तो बोले थी दीवार के उस तरफ बैंक है, उधर तो बच्चों का पिगी बैंक खड़ा है। ये क्या? अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसने पक्का बैंक में एफडी कराई होगी ताकि 5 साल बाद 2 हो जाए, ऊपर जोड़ के लंबा हो जाए। ए, बकवास मत कर, ये बैंक नहीं है, पुलिस स्टेशन है। तू तो कह रही थी बैंक के इधर। वो सॉरी, मेरे को डायरेक्शन का प्रॉब्लम था, उस वक्त मैं राइट में थी ना, लेफ्ट का समझ नहीं, आई एम सॉरी। बैंक उस तरफ है बेटा। बेटा किसको बोला बे, नवजात शिशु। अबे तुम लोग क्या कर रहे? ये मियां बीवी अपने तरफ देखा कभी? एक बच्चों का गुल्लक, दूसरी का मुंह एटीएम जैसे खुला हुआ, कार्ड डाल के नोट निकाल लो। इधर इधर चल, थाने चल। नहीं नहीं, मेरे को काम है, मैं कहीं और जाना, तुम जाओ। अबे तू चल, मेरी बात मान, चल। नहीं, लेके क्यों जा रहे मेरे को? सॉरी ना बोला, सॉरी बट ठीक है। अबे तेरी हिम्मत कैसी हुई बैंक लूटने की? ए, बैंक लूटर? कौन सा बैंक लूटा मैंने? अबे तू यहाँ से क्या कर रहा था? ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता टीवी के ऊपर। अबे अबे चल, तू ऐसे नहीं मानेगा। ए, मेरी बात सुनो, पागल ना रहे मुझे? आज इतवार का दिन है, आज तो सारे बैंक बंद है, सारे थाने बंद है, जज कोई मिलेगा नहीं। मैं तो कहता हूँ इधर जज बैठे हुए इधर ही फैसला करते, गोली मारो, 7-8 बज रहे, घर जाके चाय वाय पीते, सोना आराम से। हाँ ठीक है, पूछ लो। हैं? मैं तो कहता निकल ही चलते, पूछते नहीं। तो जजेस आप भी कुछ मत कहिए, भेजो नहीं। अर्चना, वन थिंग आई लव अबाउट कपिल, जब कुछ ठीक नहीं होता ना और कुछ गड़बड़ होने लगता है एक्ट में,
तो पहले से बोलता है हम ऐसे चले आज नया अंदाज था, बिना पूछे ही चले। जिस एक्ट में परेश हो, कपिल हो, पूर्वी हो, वो एक्ट खराब हो ही नहीं सकती। तैयारी कम हो सकती है, 19-20 हो सकती है, लेकिन आप तीनों ने जो परफॉर्मेंस दी है, परेश आपके पास कम था लेकिन जो भी था ऑफकोर्स आपने बहुत अच्छा किया, कपिल यू वर द ड्राइवर ऑफ दिस एक्ट, एंड पूर्वी यू वर अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ दिस एक्ट। थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी एंजॉयबल, वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अरबाज, आज की एक्ट में एफर्ट तो जरूर बहुत ज्यादा था, बट कुछ कमी थी एक्ट में, एज रेप्यूटेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं इसको खींच के लेके जा रही थी। वन कुड सेंस द पावर ऑफ यू थ्री ग्रेट पर्सनालिटीज ऑन स्टेज। कपिल, सम ऑफ योर एक्ट्स आर बिकमिंग टू डिपेंडेंट ऑन यू एज एन एक्टर। जैसे बच्चन साहब की फिल्म है तो मतलब चल जाएगी, सलमान खान की फिल्म है तो दबंग 2 भी चल जाएगी। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आई थिंक आई वुड से डिसअपॉइंटिंग, बट आई वुड एक्सपेक्ट समथिंग मच बेटर आउट ऑफ यू। या Thank you. अरबाज, आरजी आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? तुम बिना हमारे रिमार्क्स सुने जा रहे थे, हम बिना मार्क्स दे जा सकते हैं? नहीं नहीं, इसको घुमाओ उधर। अच्छा, फिर मैं ये उठाऊं इधर पीछे वाला? नहीं ना। 9 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। अरबाज, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 8 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज। टिकड़ियों के पार्टनर चाहे कितनी बार एक्सचेंज हो जाएं, आपकी और हमारी पार्टनरशिप कभी चेंज नहीं होगी। अब आते रहेंगे, हम आपको हंसाते रहेंगे। ओनली ऑन फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे।